श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे चाणक्य नीति की एक बात कि पानी पीते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर हम चाणक्य की ये बात ध्यान रखेंगे तो हमेशा फायदे में ही रहेंगे। चाणक्य ने बहुत सी छोटी छोटी बातों के ऊपर सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आचार्य चाणक्य ने एक नीति में बताया है कि गलत समय पर पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब पानी पीने के बाद हमें नुकसान होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि चाणक्य नीति में चाणक्य ने क्या कहा है। उन्हें श्लोक में लिखा है, अजीर्णे भोजसम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनाम ते विषप्रदम। हम श्लोक वापस बोलते हैं, अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनान्ते विषप्रदम। इस श्लोक में आचार्य ने बताया है कि खाना खाते समय पानी पीने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब क्या सावधानी है वो हम आपको बताते हैं। भोजन के तुरंत बाद पानी पीने पर वह विष के समान काम करता है। भोजन पचने में रुकावट पैदा करता है। यदि हम चाहें तो भोजन के बीच बीच में थोड़ा सा पानी पी लीजिए, वो क्या एक आध दो घूंटा पी सकते हैं, लेकिन अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। ये उन्होंने कहा है, आप पानी पीजिए, एक समझ लीजिए पौना घंटा 45 मिनट्स के बाद पानी पीजिए। तो मूलतः उनका कहने का तात्पर्य ये था। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।